पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सहारा अमन कमेटी ने पुलवामा में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मकवरा में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी भी दी, यदि हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा पाकिस्तान बॉर्डर पर घुस गया तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। वक्ताओं ने इस दुख की कड़ी में अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करी। सहारा अमन कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र कुमार ने कहा, पड़ोसी देश की नापाक इरादों को यही जनता ने फेल कर दिया है। इस कृत्य से सभी भारतीय एकजुट हैं। मीटिंग का संचालन वसीम अहमद ने किया। मीटिंग में मुख्य रूप से विवेक गुप्ता, हाजी असलम अंसारी, शरीफ अहमद ताहिर, मोहम्मद नदीम, हाजी यूसुफ सुलेमान, भूपेंद्र गुप्ता आदि दर्जनों भर सदस्य उपस्थित रहे। सहारा अमन कमेटी ने जो हमारे बॉर्डर पर शहीद सैनिक हुए हैं उनके लिए एक श्रद्धांजलि समारोह रखा और हम लोग बहुत इस समय दुख की घड़ी में हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उन सैनिकों के परिवार को उनके दुख सहने की शक्ति दे। और कल जो सारा शहर हमारा बंद हुआ, जहां कि हमने देखा कि सारे गली मोहल्ला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब परिवारों ने सारे बाजार को बंद किया और शोक प्रकट किया और मैं इस दुख घड़ी में उन परिवारों को उनके दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कोशिश करता हूं। ईश्वर से विनती करता हूं कि उनको इस दुख की घड़ी में उनको संयमता बरतें और उनको इस कष्ट से निवारण हो। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप सब लोग मेरे इस समारोह में, इस श्रद्धांजलि में सब हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हुए और मैं हम सब मिलकर उनको आज श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद। सहारा अमन कमेटी स्टेट की एक बैठक आज इस विषय में रखी गई कि हमारे देश में कश्मीर में पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ और हमारे सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई है। आज हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी और हम लोगों ने ये देखा कि आज हिंदुस्तान में हम लोग इस दुख की घड़ी में हमें इतनी तकलीफ है तो उन परिवारों का क्या हाल होगा जिनका किसी का भाई गया है, किसी का पति गया है, किसी का बाप गया है। तो हम लोगों को आज ये तकलीफ देखनी थी कि जब हम लोग इतने दुख में हैं तो वो कितने दुख में होंगे। बहरहाल हम अल्लाह से यही कामना करते हैं कि अल्लाह इस घड़ी में उन्हें सब्र अता फरमाए परवरदिगार, क्योंकि बहुत दुख की बात है उन परिवारों के लिए और हमारे लिए कि वो सैनिक शहीद हुए। उनको हम दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।